मकसूदनगढ़ में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा समाज के लोगों ने मकसूदनगढ़ में भव्य जुलूस निकाला, जहां विश्वकर्मा जयंती का जुलूस गुना रोड रेस्ट हाउस होते हुए सदर बाजार से गुजरकर मंदिर पहुंचा। आसपास से आज विश्वकर्मा समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और डीजे पर बज रहे भजनों पर झूमते नाचते दिखाई दिए। मकसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहरों और गांवों में चलाया जा रहा स्वच्छ भारत अभियान। बमोरी में स्वच्छ भारत अभियान मिशन के अंतर्गत बमोरी जनपद सीईओ सौरभ सिंह कुशवाहा द्वारा ग्राम में साफ सफाई की गई। उन्होंने जनपद मुख्यालय पशु चिकित्सालय लक्ष्मीबाई चौराहे मंदिर के आगे साफ सफाई की। सबसे अलग बात ये रही कि सीईओ कुशवाहा स्वयं 3 फुट गहरे नारे में उतरकर साफ सफाई की एवं वहां पर डले कचरे को साफ किया। जो पुलिया चौक हो रही थी उसमें पानी निकासी की व्यवस्था भी की। इस मौके पर उनके साथ ग्राम पंचायत बमोरी सरपंच प्रकाश सिंह किरार, शैलेंद्र कुशवाहा, बाबूलाल सेन, नंद किशोर, सचिव जानू किरार, बबलू खान, कमल सिंह, गोलू किरार, चंदन लाल सहित अन्य नागरिक भी मौजूद रहे। आप देख सकते हैं बमोरी जनपद सीओ सौरभ सिंह कुशवाहा, साथ में हमारे नंद किशोर सेक्रेटरी, ग्वार खेड़ा सचिव, अब आप देख सकते हैं जनपद पंचायत सीओ सौरभ सिंह कुशवाहा स्वयं 3 फुट गहरे नाले में उतरकर स्वच्छ भारत मिशन अभियान को सुचारू रूप से जारी रखते हुए ये देखिए, ये नाले का पानी है। ग्राम पंचायत बमोरी सरपंच मौजूद है यहाँ पर। मीणा समाज सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में दी महाधिवेशन की जानकारी। मीणागंज में मध्य प्रदेश मीणा समाज सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश सिंह मीणा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें आगामी 29 सितंबर को होने वाले मीणा समाज के महाधिवेशन के बारे में जानकारी दी गई। श्री मीणा से राजनीति में आने व चुनाव लड़ने के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा क्योंकि मैं सरकारी नौकरी में हूं, और यदि सरकारी नौकरी में भी नहीं होता तो भी मैं चुनाव नहीं लड़ता। मैं सिर्फ समाज की सेवा करना चाहता हूं। समय आने पर जनप्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा। चांचौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 फरवरी 2018 को संगठन के मंच पर 2 लाख लोगों की उपस्थिति में ये घोषणा की थी कि मीणा समाज को आरक्षण दिया जाएगा। 2003, 2013 तीनों बार के विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र में ये कहा था कि मीणा समाज की आरक्षण की चिट्ठी जरूर जाएगी जी, लेकिन उस घोषणा को आज 6 महीने हो गए, आज तक कोई चिट्ठी नहीं गई। इससे सब पूरे समाज में आक्रोश व्याप्त है और इसको लेकर 29 सितंबर को महाधिवेशन बुलाया गया। उसमें समाज के सभी पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और समाज के सभी वरिष्ठ जनों को आमंत्रित किया गया। उसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि अब आगे क्या किया जाए। सर, मीणा समाज का सबसे ज़्यादा बहुल्य क्षेत्र माना जाता है, चाचोड़ा, सिरोंज, लेटेरी तरफ आपका काफ़ी बहुल्य समाज है। कई सीटें ऐसी है जहाँ पर मीणा समाज अपनी पहुँच बनाए हुए है और कई सीटों पर अंतर भी गिरा सकता है। ऐसे में अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो क्या आगे कदम रहेगा? 29 तारीख को ये निर्णायक बैठक है, उसी में डिसीजन लिया जाएगा। जो भी हमारे वरिष्ठ निर्णय लेंगे उसमें समाज पालन करेगा, उसमें हम भी पालन करेंगे जी। इसमें कौन पदाधिकारी सर आपके साथ मौजूद रहेंगे उस कार्यक्रम? उसमें सम्माननीय पूर्व मंत्री जो है त्रोड़ी लाल मीणा जी आएंगे जी, और
अगर हरीश मीणा जी आएंगे जी, जो जितने भी सांसद राम निवास जी आएंगे जी, रणवीर सिंह मीणा जो CWC के मेंबर हैं जी और 4 बार सांसद रह चुके हैं उदयपुर से, दो पधार रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 12 गोली खाने के बाद भी हमारे एक चेतन चीता जी हैं जिनको राष्ट्रीय सम्मान भी दिया गया, कीर्ति पदक से उनको सम्मानित किया गया है, वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। धूमधाम से मनाया गया भगवान देवनारायण जी का जन्मदिवस। चांचौड़ा तहसील के नाईपुरा गांव में गुर्जर समाज के आराध्य भगवान श्री देवनारायण जी का जन्मदिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गुर्जर समाज के लोगों ने नाईपुरा से गुंजारी तक भव्य जुलूस निकाला, जिसमें हजारों की तादाद में श्रद्धालु मौजूद रहे तथा जुलूस में DJ एवं ढोल नगाड़ों की धुनों पर श्रद्धालु अपने आराध्य भगवान श्री देवनारायण जी के जन्मोत्सव पर झूमते नाचते हुए नजर आए। वहीं संवाददाता शिवम नामदेव ने इस गुर्जर समाज के लोगों और चाचौड़ा क्षेत्र के विधायक ममता मीणा से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि देवनारायण जी का जन्म कमल के फूल पर हुआ था और ये कार्यक्रम उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में धूमधाम से मनाया जाता है। समाज का जो कार्यक्रम चलता है भगवान देवनारायण का है, जिसने दो कितना हुआ जन्म 1968 इसमें जन्म हुआ था। जब से जैसे गुर्जर समाज का हर जगह ये त्यौहार मनाया जाता है, जैसे देव छठ मानते हैं, देव छठ मानते हैं, देवनारायण भगवान ने जैसे कमल का फूल में जन्म दिया था साढ़ू माता की गोद में, जैसे हमारा यहाँ परंपरा चल रहा है ये कार्यक्रम। तो जैसे आज यहाँ कार्यक्रम था, जैसे वहाँ जी स्थान है यहाँ पोला से, कल कार्यक्रम अगला वहाँ रहेगा घोड़ा बाजार, वहाँ देवनारायण भगवान का मंदिर है, जन्म उत्सव वहाँ भी मनाया जाएगा। जैसे कहीं भी हमारी जो समाज है, गुर्जर जो गुर्जर भी समाज है, वे जगह जगह कार्यक्रम मनाते हैं। जैसे अभी यहाँ कार्यक्रम हुआ था हमारा, यहाँ पोलास नाईपुरा करके बोलते हैं यहाँ, तो यहाँ पर जैसे गुंजारी है, ये नेसकला है, गोपान है, भोनियाब है, सिंगापुरा है, सोनाड़ा है, गोविंदपुरा है, जैसे यही नवनपुर है, जैसे 10-20 गांव के लोग समिति से काम करते हैं और सब एकजुट होके और ये कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। लगभग यहाँ की क्या क्या मानता है? यहाँ जैसे कोई भी अगर रोज को भी मानते हैं, शनिवार को मनाते हैं, हर शनिवार बैठक होती है, शनिवार जात्रु आती है, और दीपावली पे भी, दीपावली पे भी मतलब मैं ध्वज के दिन आते हैं यहाँ, 14 को भी आते हैं। दीपावली पे जिन 10-20 गांव के लोग जो हैं इकट्ठा होके और यहाँ एक तंत्र होके नहीं और यहाँ ज्योत रखते हैं भगवान की, देवनारायण भगवान की, और उसमें पूरा कार्यक्रम में शामिल होते हैं। बमोरी क्षेत्र में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई भगवान विश्वकर्मा जयंती। आज विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर ओझा समाज द्वारा झागर व बमोरी क्षेत्र में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई भगवान विश्वकर्मा जयंती और वह ग्राम पंचायत धनखेड़ी में ओझा समाज द्वारा विश्वकर्मा जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। चल 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 चल
गणेश उत्सव के दौरान जगह जगह दर्जनों झांकियां लगाई गई हैं। शाम को मनमोहक दृश्य दिखाई पड़ता है, कहीं पर भजन, कहीं कीर्तन तो कहीं गम्मत तो कहीं नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा झांकियां लगाकर प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ झलकियां। अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। आरोन के स्वास्थ्य विभाग के गेट के पास दोपहर को एक अज्ञात शव मिलने से शहर में सनसनी फैल गई। लोगों की सूचना पर आरोन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया तथा जांच पड़ताल की। शव की पहचान अज्ञात है। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि स्वास्थ्य केंद्र आरोन के गेट पर एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है, जिसकी सूचना पर आरोन पुलिस थानाधिकारी सहित मौके पर पहुंचे और बारीकी से पड़ताल की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मर्ग कायम कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। स्वच्छता अभियान की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। आरोन तहसील के वार्ड क्रमांक एक पटार मोहल्ला में जहां देखो वहां गंदगी ही गंदगी पसरी है। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा वार्ड वासियों के सिर पर 24 घंटे मंडरा रहा है। वार्ड वासियों का कहना है कि ना तो पार्षद द्वारा कभी साफ सफाई करवाई जाती है और ना ही पार्षद वार्ड का निरीक्षण करने के लिए कभी आते हैं। वहीं क्षेत्रीय विधायक का कहना है कि आरोन में नगर पालिका के अध्यक्ष भाजपा के हैं, इसलिए काम नहीं हो पा रहा। फिर भी हम पूर्ण कोशिश कर रहे हैं। जब इस विषय की पुष्टि के लिए हमने वार्ड पार्षद से मिलना चाहा तो वह नहीं मिले। कर लो, आजा आजा आजा, तुम भी स्कूल के जाते हैं, स्कूल के बच्चे भी बहुत सारे गिरते हैं, परेशानी है। इसे भयंकर मच्छर मच्छर वगैरह के, अरे मच्छर बहुत बीमारी फैल रही है, बीमारी का मोड़ मोड़ी रे दवाई के साथ। अब आपके मोहल्ले में बाबा साहब आने वाले क्षेत्रीय विधायक देवर्धन सिंह जी, आप उनसे भी इस विषय में कुछ? हां, कंगे उनसे भी कंगे इस विषय में बात हमारा है, लेकिन मैंने कहा है कि पुन्ना रावगढ़ नगर पालिका और इसकी वहाँ पर हमेशा कांग्रेस का नगर पालिका अध्यक्ष रहा है। लगभग 15-20 पार्क वहाँ बनी है, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आरोन शहर की जनता भी कांग्रेस का साथ। जी सर, इस आरोन क्षेत्र की सभी जनताओं का लगाव आपसे और आप पर ही आशा है सर, अगर ऐसा ही चलता रहा फिर क्या हो? जी जी, की हमें पूरा विश्वास है कि आरोन जनता का हमेशा सदैव हमको आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने मन से कहा कि हमारा और इनका संबंध कोई जुड़ा नहीं राजनीति से, ये संबंध हमारा पारिवारिक संबंध है और यहाँ पर हर एक सदस्य आरोन का मेरे परिवार जैसा। सही है सर, धन्यवाद। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। भील आदिवासी समाज की महासभा में समाज के लोगों को किया गया जागरूक, समाज से जुड़े विभिन्न गतिविधियों पर लगाई गई रोक। मकसूदनगढ़ के बहादुरपुर गांव में भील समाज की महासभा रखी गई, जिसमें समाज के आसपास के जिलों से वरिष्ठ लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और आदिवासी समाज में चल रही विभिन्न तरह की गतिविधियों पर रोक लगाई, जैसे कि समाज द्वारा शादियों में अब डीजे नहीं बजेगा और न ही नाचने वाली महिलाएं भील समाज के द्वारा बुलाई जाएंगी। साथ ही भील समाज की महिलाएं अब अकेली बाजार नहीं जाएंगी और महिलाएं अगर बाजार जाएंगी तो उनके साथ परिवार का कोई सदस्य उनके साथ में बाजार जाएगा। वहीं समाज के वरिष्ठ लोगों ने बताया
कि भील समाज का कोई भी व्यक्ति अब चोरी नहीं करेगा। भील आदिवासी समाज के लोग बस मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि समाज में कोई भी व्यक्ति अब शराब नहीं पिएगा और न ही महिलाएं किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ काम पर जाएंगी। घर के पुरुष ही काम पर जाएंगे, महिलाएं सिर्फ अपने घर का काम ही करेंगी। वहीं भील महासभा में और भी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं ये भी तय किया गया कि अगर समाज का कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना और समाज से बाहर कर देने का दंड का भी प्रावधान होगा। आज के जो हमने ये महापंचायत रखी है समाज की, इसमें समाज में चल रही समस्त कुरूतियां जैसे सामूहिक विवाह सम्मेलन रखना चाहिए और जो खर्च है शादी विवाहों में प्रचलित शादियां वो बंद होना चाहिए और जो महिलाएं वगैरह हैं हमारी जो अन्य जगह जैसे कि मार्केट में फालतू जाती हैं या अकेली कहीं भी जाती है तो उन पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। समाज में सब जो बैठक होती है उसमें कोई भी व्यक्ति गैर आदिवासी का नहीं आएगा, इस तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं। क्या शराब चोरी चकारी पर भी लगाए हैं? बिल्कुल, हमने शराब पर साथ में जो किसी भी प्रकार की कोई भी समाज का व्यक्ति चोरी करता पाया जाता है या उसके पास में कोई भी समाज के व्यक्ति के पास में चोरी का सामान पाया जाता है तो उसे पूर्ण रूप से दंडित किया जाएगा। समाज उसका बहिष्कार करेगी। जिसमें डीजे चलता है और उस पे जो कंजरी वगैरह आती हैं तो क्या उनपे भी प्रतिबंध लगा है? हमने शादियों में डीजे कंजरी इन पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया हुआ। यदि कोई इस तरह का समाज के प्रति उल्लंघन करता है तो उसे समाज की तरफ से 10,000 रुपए से दंडित किया जाएगा, ऐसा उसमें हमने रखा है बिंदु। जो शराब पीता हुआ मिलेगा समाज के व्यक्ति, उस पर भी प्रतिबंध है? समाज के व्यक्ति जो हमने उसमें दिन तय किए हैं, फिलहाल में तो ये प्रयास चल रहा है कि धीरे धीरे समितियां तैयार की हैं और समितियां उन पे दंड रखेंगी जैसे मंगलवार को और शनिवार को। इन दो दिनों में अभी मतलब शुरुआत हमने यहां से की है, धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि समाज में पूर्ण रूप से नशे से मुक्त किया जाए। जो भील समाज की महिलाएं दूसरी जगह काम पर जाती हैं क्या उस पर भी प्रतिबंध है? बिल्कुल, हमने उस पर भी प्रतिबंध लगाया है क्योंकि क्या होता है कि हमारी जो महिलाएं मजदूरी करने जाती हैं उनके साथ में उनका शोषण किया जाता है, इसलिए हमने उन पे भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। और हाँ, रही बात मजदूरी की, तो हमारे समाज के जो जवान नौजवान हैं वो जा सकते हैं, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। महिलाएं अगर मार्केट जाएंगी तो क्या अकेली आएंगी या परिवार के सदस्य को लेकर? परिवार के साथ में जा सकती है, बल्कि अकेली पे नहीं जाएगी। साथ में जा सकती है या उसके भाई हो, पिता हो, कोई भी हो, उसके साथ में जा सकती है, अकेली नहीं घूमेगी। जैसे डोल 11 का त्योहार आने वाला है तो उस पर भील समाज की महिलाएं जाती है देखने के लिए? इस बार मतलब हमने डोल 11 पे ऐसी जगह जहाँ पे महिलाएं जाती है पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है। मकसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट।